देवघर बाबा नगरी में 18 फरवरी शिवरात्रि के दिन भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। शिवरात्रि महोत्सव समिति ने 7 किलोमीटर लंबे रूट लाइन का मैप बनाया था, लेकिन जिला प्रशासन के साथ बैठक में जिला प्रशासन ने इसे खारिज कर दिया और अब ये शिव बारात पुराने रूट लाइन से ही बाबा मंदिर तक जाएगी। देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने शिवरात्रि को लेकर दो बड़े निर्णय की घोषणा की है, जिसमें पहला निर्णय शिवरात्रि के दिन वीआईपी एंट्री और आउट ऑफ टर्न एंट्री पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। इसके अलावा शीघ्र दर्शनम कूपन एक दिन पहले एडवांस बुकिंग कर लिया जा सकेगा। डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने कहा कि सुरक्षा कारणों की वजह से रूट लाइन को छोटा रखा गया है और शिव बारात पूर्व की तरह पुराने रूट लाइन से ही जाएगी, जिसके लिए निरीक्षण और तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। कुल मिलाकर अब ये तय हो गया है कि शिव बारात अपने पूर्व की भांति पुराने रूट लाइन से ही जाएगी और वीआईपी दर्शन पर पूर्ण रोक रहेगी, जिससे आम श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। समय की कमी को देखते हुए जो परंपरागत तरीके से चली आ रही है रूट, उसी पे हम लोगों ने बताई है कि उसमें करने के लिए, और ताकि सब लोग मिलकर उसको अच्छे से हम लोग करें और साथ में यहाँ के जो धार्मिक और आस्तिक जो भावना है और मूल चीज जो है उसको भी उसमें मेंटेन करें, ताकि बाबा नगरी का जो कीर्ति जो है पूरा विश्व में बाबा बैद्यनाथ जी की वजह से वो लगातार बने रहे। शीघ्र दर्शन रहेगी और जो उसका जो 500 रुपये का, और साथ में इस बार हम लोग शीघ्र दर्शन का कूपन जो है 18 के लिए 17 को ही 6 काउंटर नाथवाड़ी से और मंदिर कैंपस से हम लोग देंगे, ताकि जिनको 18 को आना है वो पहले एक दिन भी ले सकते हैं, और जितने भी श्रद्धालु जो आएंगे उनको किसी तरह का भी कोई समस्या नहीं है। इसके लिए सभी लाइन डिपार्टमेंट जितने भी है, बिजली हो, नगर निगम हो, साफ सफाई के संबंध में, उसके बाद चिकित्सा के संबंध में जो सिविल सर्जन है, उन सबको आवश्यक निर्देश दिए गए, और यहाँ सर्वसम्मति से अत्यधिक श्रद्धालु उस दिन आते हैं, उन सभी को देखते हुए इनके द्वारा, सभी पंडा धर्म रक्षणी के द्वारा और प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा ये सुझाव दिया गया कि आउट ऑफ टर्न या जो वीआईपी दर्शन जो है उस दिन न रखें, ताकि किसी तरह का कोई असुविधा जो है आम श्रद्धालुओं को।